नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों छात्र संघ चुनाव जो है उसका आगाज कई दिनों से हो चुका है और आज जो है नामांकन भरा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खास बात है। जोधपुर के अंदर इस पैनल के अंदर जो महिला प्रत्याशी हैं वो एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हैं कि उस पद पर एकमात्र लड़की जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। तो सारा जो प्रत्याशी हैं उनसे परिचय भी कराएंगे और इनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि नेता मारवाड़ी में कहेंगे भाई नेता ही वास्ते चुना के भी करने की काम करने को लक्ष्य वे यार वो कहीं काम करेला तो आंगो लक्ष्य बने कि छात्र वास्ते कहीं काम करेला और एक कड़ो मुद्दो लेर चुनाव लड़ रहा। तो बस सारी बात आप हाथे कराला। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि राजपुरोहित है। अच्छा निधि, आप किस पद पर चुनाव लड़ रहे हो? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रही हूँ, अभी मैंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। अच्छा, नॉमिनेशन का भी आपने फॉर्म भरा। कितने प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी कितने इस पद पे? 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से एक ही कैंडिडेट हूँ जो एक लड़की। अच्छा, लड़की एक ही है, मतलब ज़्यादा दम कम रखते हैं इसलिए महिला प्रत्याशी बहुत कम दिखती है कि इस प्रकार के चुनाव के अंदर क्या वजह है या लड़कियाँ आगे नहीं आनी चाहती लगता है इसलिए। बाकी ABBP एक ऐसा संगठन है जिसने छात्रों पर विश्वास जताया है और मेरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बाकी हमने कई पैनल देखे जिसके अंदर महिला प्रत्याशी मतलब है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे लाओ बेटी को बढ़ाओ, तो इसके ऊपर कहीं ये अनदेखी तो नहीं हो रही है कि कम से कम एक एक दो दो प्रत्याशी? संगठनों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। ABBP एक ऐसा संगठन है जो अपने बातों पर कायम रखता है, तो उन्होंने मेरे को टिकट दिया है तो मतलब मैं सबका साथ रखूँगी और छात्रों के हित में काम करूँगी। आपका आपकी नज़र में इस विद्यालय के अंदर चाहे कॉलेज हो उनके अंदर किस प्रकार के सुधार की बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है? मेरा मेन फोकस कैंटीन्स पे रहेगा, जैसे मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और कैंटीन्स नहीं है उनके अंदर। केन कॉलेज है तो मतलब कैंटीन नहीं है तो बाहर खोलनी पड़ी उनको, तो उन मेन कैंटीन खुलवाएंगे। और लाइब्रेरी है, अगर किसी को पढ़ने का मन भी हो तो क्या पढ़ेंगे, बुक्स तो फटी हुई पड़ी है, तो नई बुक्स लेकर आएंगे, सही सुधारेंगे वे कैंटीन मतलब लाइब्रेरी वगैरह को सही रखेंगे उनको। दूसरा, बालिकाओं के लिए आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बहुत एक सेंसिटिव भी मानते हैं कि भाई लड़कियों को थोड़ा बहुत भी उनको अनकंफर्टेबल फील होता था, परिवार भी मना कर देता है कि बेटी को नहीं नहीं स्कूल नहीं भेजेंगे और खुद भी सोचती है कि भाई पढ़ाई छोड़ देती हूँ मैं, हाउसवाइफ से अपनी ज़िंदगी गुजारा कर लूँगी। तो ऐसा क्या आप प्रयास करोगी कि जिससे बालिका शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले? जैसे ABBP ने मेरे को खड़ा करा है, मतलब मेरे को उम्मीदवार बनाया है। अगर कोई छात्र खड़ा होता तो मतलब छात्राओं को उनसे बात करने में हिचकिचाहट होती, अगर मैं लड़की हूँ तो उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी बात वो अपने मन की हर बात बता सकती है, मुझे हर बात बता सकेगी, तो मतलब उनकी प्रॉब्लम्स होगी तो मैं सुलझाऊंगी उन्हें। बहुत सुंदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम राजपूत। अच्छा, आप किस पद से लड़ रहे हो? नहीं, मैं समर्थक हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुकेश विश्नोई। अच्छा मुकेश जी, आप किस पद पर लड़ रहे हो? संयुक्त महासचिव। अच्छा, आपका क्या विजन है इस चुनाव को लेकर कि आप क्या? मेरा यही रीजन, मैं लॉ फैकल्टी से हूँ तो लॉ फैकल्टी के अंदर म्यूट कोर्ट की दिक्कत है, तो ये एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा मैनिफेस्टो उसमें मैं मेरी तरफ से मतलब जिसलिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिन छात्र छात्राओं के लिए, तो मैं मेरी तरफ से ये समस्या का निवारण करूँगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और आने वाली 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव है और 27 तारीख को हमारे पक्ष में मत परिणाम आएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्य किया है। फिजूल की तरह, अन्य संगठनों की तरह दावे नहीं किए और किसी ने कुछ करा होगा, कुछ ने कुछ करा होगा, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरातल पर काम किया, इसका परिणाम हम 27 तारीख को देखेंगे और सबके सामने मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा पैनल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भारी मतों से जीतेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है हम ग्रामीण परिवार से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिस प्रकार एडमिशन के समय ग्रामीण परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को 5% मिलता है, उसी प्रकार हम खेल के अंदर भी ग्रामीण परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को 5% आरक्षण दिलवाएंगे और साथ ही महिलाओं के लिए जिस प्रकार केएन कॉलेज के अंदर छात्रावास लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वो हम पूरी तरह से ई लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे जिससे केएन कॉलेज की छात्राएं जो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बाहर जाती है उन्हें केएन कॉलेज के अंदर ही सुविधा मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्राओं को सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ा है और साथ ही हम आपसे वादा करके जाते हैं कि केएन कॉलेज के अंदर जो भी पुरुष सुरक्षाकर्मी लगे उन सबको हटाकर महिला सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे और महिलाओं के लिए अलग से सब कुछ व्यवस्था की जाएगी कि आने वाली 27 तारीख को इस पूरे नीले गगन के अंदर भगवा लहराएगा और छात्र शक्ति की जीत दर्ज करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल। अविनाश खारा, प्रदेश मंत्री, ABP राजस्थान।